विधानसभा क्षेत्र में जलरा पाटन और आप देख पा रहे हैं उनका रोड शो इस बार चल रहा है। महान रोड शो पूरे जलरा पाटन के भीतर गुजरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जा रही है। लोग अपना आभार जता रहे हैं फूल द्वारा। लोग भारी संख्या में आए हैं उनको मिलने के लिए। आप देख सकते हैं वो ओपन जीप में चल रही हैं उनके रोड शो में। उनके बेटे जो सांसद हैं झालावाड़ 12 से बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह वो भी चल रहे हैं उनके साथ, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। यहाँ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूरे झालावाड़ क्षेत्र के यहाँ आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि दुष्यंत सिंह जी से हम बात करें। दुष्यंत जी, बहुत आभार व्यक्त किया जा रहा है वसुंधरा राजे जी के प्रति, आज क्या कहेंगे इस माहौल के बारे में झालावाड़ पाटन में? उदय जी, बात यह है आप दिल्ली से पधारे, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप आए। ये 34 साल का रिश्ता है। झालावाड़ पाटन सूर्य नगरी है और सूर्य नगरी में सूर्य मंदिर का है, द्वारकाधीश मंदिर है, बड़ा धार्मिक स्थल है और यहाँ राजस्थान के पूर्व सीएम साहब का, इस क्षेत्र के विधायिका का जब तक 34 साल का रिश्ता है। 36 कौम है, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और ये चुनाव परिवार लड़ रहा है, परिवार का चुनाव है और परिवार के चुनाव में सभी लोग मजे ले रहे हैं। एक खुशहाली का मौसम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन है, कमल के फूल के लिए समर्थन है और राजस्थान के पूर्व सीएम साहब के लिए समर्थन है। आप खुद यहाँ के सांसद हैं तो जब आप झालावाड़ और बारह दोनों जिले जाते हैं वहाँ इस वक्त स्थिति क्या है बाकी सीटों पे? झालरा पाटन तो दिख रहा है यहाँ पे मगर बाकी सीटों पे स्थिति क्या है? पूरे क्षेत्र में एक परिवर्तन की लहर है। हाड़ोती में वसुंधरा जी सिंधिया साहब को देखते हुए, राजस्थान के पूर्व सीएम साहब को देखते हुए और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखते हुए और उनके अच्छे काम को देखते हुए राजस्थान में कमल का फूल और देश में कमल का फूल खिलने जा रहा है। मुख्य मुद्दा क्या है? यह मुख्य मुद्दा यह है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने यह जरूर बोला है कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है। वर्तमान में बेरोजगारों को जो चीटिंग की गई है, 19 बार पेपर लीक किए गए हैं, उसके साथ इस पूरे क्षेत्र में आपको यह देखने में मिल रहा है कि मूलभूत की जो सुविधा है जैसे बिजली है, बिजली लोगों को नहीं मिल रही। दिवाली का समय था और दिवाली के समय पे लोगों को बिजली नहीं मिली। इसके साथ साथ जो पिटारा जो अशोक गहलोत जी ने खोला है गारंटीज का वो सभी इस क्षेत्र में सब लोग ये कह रहे हैं ये ढोंग है और ढोंग इसलिए है क्योंकि चुनाव आ गए और चुनाव आने के बाद ये पिटारा खोलना नहीं चाहिए। ये 5 साल के लिए होना चाहिए। जब 5 साल के लिए नहीं किया तो आप कब करेंगे? और हमारे क्षेत्र में जो भी काम हुआ है वो हमारे माननीय विधायिका राजस्थान के पूर्व सीएम साहब ने कराया है तो वोट तो उन्हीं को पड़ रहा है। वोट उन्हीं को पड़ रहा है ये मानना है दुष्यंत सिंह जी का। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है राजस्थान का रिजल्ट, मध्य प्रदेश का रिजल्ट, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट, तेलंगाना का रिजल्ट, मिजोरम का रिजल्ट कहीं ना कहीं 2024 का भी आकलन? उदय जी, मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ पर मैं खाली झालावाड़ तक सीमित हूँ। 12 झालावाड़ तक सीमित हूँ। यहाँ कमल का फूल खिलने जा रहा है ये दावा है दुष्यंत सिंह जी का। आइए हम दिखाते हैं आपको कि पीछे के नजारे जो हैं वो क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री का रोड शो चल रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं। आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं अपने बैल्कनियों पे भी आए हैं। महिलाएं जो हैं वो बड़े संख्या में आए हैं और महिला वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा लुभाने की कोशिश करती है और इस बार भी कुछ अंतर है नहीं। आप देख पा रहे हैं ये पूरा बाजार एरिया से गुजर के
जा रहा है वसुंधरा राजे जी का काफिला, और मुख्यमंत्री जी का लगातार दौरा जो है वो चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जी इस बार क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये हमें देखना होगा, क्योंकि अभी भी सवाल है कि क्या बीजेपी वसुंधरा राजे पे ही दाव खेलेगी अगर वो चुनाव जीतती है या नहीं। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, झालरा पाटन, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स।